है मेरा एग्जाम वॉरियर्स, कैसे हो आप सब लोग? तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है ना? लगभग तैयारी हो चुकी है एसएसटी की, साइंस की, मैथ्स की, मतलब क्लास 10th के पूरे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है। आप लोग हिंदी और संस्कृत की थोड़ी बात कर रहे थे कि मैम हिंदी संस्कृत पढ़ा दो, लेकिन बच्चे क्या है ना, अगर हम आपको कम समय में बहुत, चलो आपने बोला और हम बोले कि चलो हम हिंदी पढ़ा देते, लेकिन क्या है वो जस्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा, है ना, कि हम आपको जितने एफर्ट से एसएसटी पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, अगर हम आनंद फानंद में हिंदी संस्कृत पढ़ा दे तो आपको वो चीजें हम नहीं दे पाएंगे जैसा हमने इस पूरे एसएसटी साइंस के साथ दिया है ना, और आपको जबरदस्ती हम थोड़ी बहुत चीजें बता के बोले कि बच्चा इसको पढ़ ले, तो आपके साथ वो नाइंसाफी होगी, है ना। इसलिए हमने जो सब्जेक्ट्स हम इनिशियल लेवल पे पढ़ा सकते थे या जो लगा कि आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता इन सब्जेक्ट्स की है उसको किया। उसके बाद भी मैंने कहा अगर किसी को लगता है कि एग्जाम रिलेटेड कोई भी चीजें आपको प्रॉब्लम है या कुछ भी बात करनी है तो आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हो, है ना बच्चे, बिल्कुल डरो मत। हिंदी संस्कृत थोड़ा सा लगता है कि यार नहीं समझ आ रहा है, लेकिन आप बच्चे क्या हिंदी मीडियम के, तो हिंदी में क्या, अगर और भी कुछ लग रहा है तो बिल्कुल फोन करके बताओ कि भैया मैम ऐसा ऐसा है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा इस टॉपिक से, तो उस चीज को मैं पूरी तरीके से बताऊंगी, बिल्कुल डर नहीं ना है, ठीक है, कोई बात नहीं है। जितनी तैयारी की बहुत अच्छी की, और अभी बहुत ज्यादा समय भी है ना, एक दो दिन बस हम और क्या साइंस और एसएसटी वगैरह करेंगे, उसके बाद से आपको क्या अपने पूरे पहला पेपर हिंदी इंग्लिश जो भी है आपको उसके लिए लग जाना है। आप बिल्कुल समय नहीं गंवाना, पूरे टाइम टेबल पढ़ लिया है ना, तो बस इसके बाद क्या मैं आपको कैसे कैसे एग्जाम टाइम में पढ़ना है, क्या करना है, ये सब चीजें छोटी छोटी बताते चलूंगी, है ना। लेकिन जब तक एग्जाम नहीं खत्म होगा मैं आपको साथ नहीं छोड़ूंगी, ठीक है, मेरी पूरी टीम आपके साथ पूरे एग्जाम तक, आप लास्ट डे एग्जाम दे गए हो तब तक हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो चलो अपना आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं। आज का आंसर भी हमारा टॉपिक अध्याय 16 लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन, हमें आज ये पढ़ना है, ठीक है। ये क्या आप राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर है, ठीक है, तो चलो हम आ जाते हैं। इसमें से लगभग आपको छोटे मार्क्स 2-3 मार्क्स से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक, चलो आ जाते हैं चैप्टर पे। अगर इस चैप्टर की बात करें कि इसमें चैप्टर में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, ये क्या क्या चीजें मेजर टॉपिक्स है, तो क्या क्या है भाई, सामाजिक आंदोलन की अवधारणाएं, नियमगिरी में आप डोंगरगढ़ी और कोंडाओ का आंदोलन, ये आंदोलन पढ़ेंगे जिसकी वजह से कि सबसे बड़ा क्या स्वरूप बदला है ना, सूचना के अधिकार का संघर्ष, शांति के लिए आंदोलन चलाए गए थे, परमाणु हथियारों का के लिए विरोध किया गया, इंग्लैंड में कुछ क्रांतियां हुई, अमेरिका में कुछ क्रांतियां हुई, और क्या शांति आंदोलन जो भी है, तो इन सब चीजों के बारे में आपने इस चैप्टर में पूरा पढ़ा होगा, है ना। तो इसी से क्या लगभग 3-4 से 5 क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से बनते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं बनते। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लोगे तो ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलो आ जाते हैं भाई सामाजिक आंदोलन की अवधारणाएं। तो क्या है सामाजिक आंदोलन, क्या है, एक ऐसा आंदोलन जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लड़ा जाता है, लोगों के समूह के द्वारा लड़ा जाता है, और क्या होता है वो कोई सामाजिक बदलाव के लड़ा जाता है, उसी का क्या कहते हैं हम सामाजिक आंदोलन, है ना। जैसे देखो छत्तीसगढ़ क्या था, मध्य प्रदेश का भाग था, है ना, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्या थी, परिवेश, हमारी संस्कृतियां अलग थी, हमारी जनजाति अलग थी, है ना, हमारी बोली अलग थी, इसलिए क्या है हमारे छत्तीसगढ़ी लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ी राज्य बनाने के लिए भी आंदोलन हुए। तो क्या हुआ, ये हमारे लोगों के द्वारा किए गए, हमारे पूर्वजों ने किया, है ना, और अपनी मांग रखी और लोग सब क्या एक होकर रखे, तो इसी को क्या कहते हैं सामाजिक आंदोलन, जब बहुत सारे लोगों क्या एक साथ आकर किसी एक मांग के लिए क्या करे, सरकार के खिलाफ या किसी समूह के खिलाफ आए और अपनी मांग को प्रदर्शित करे। जब तक आपकी कोई मांग को प्रदर्शित नहीं करोगे सामने, तो वो कैसे पता चलेगा कि अच्छा आपकी ये मांग है, तो वही सबसे पहले तो क्या हमें सामने आना पड़ता है, ठीक है, हमें लोगों की समूह बनानी पड़ती है और हमें एक वैध मांग मांगते। आप ऐसा नहीं बोल सकते भाई कि मुझे तो मेरे गांव में मुझे तो क्या बोलते हैं कुछ भी फैक्ट्री चाहिए, नहीं बोल सकते ना भाई, आपके गांव में वही चीजें हो सकती है जो आपके लिए और पूरे सामाजिक के लिए हित के लिए हो। आप ये नहीं बोल सकते कि आपको कार रेसिंग का शौक है तो मेरे गांव में कार रेस की पूरी वो बनाया जाए, ट्रैक बनाया जाए, नहीं, क्योंकि वो आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, पूरे गांव के लोगों का हित नहीं हो सकता। इसलिए सामाजिक आंदोलन होते हैं कि वो समाज के हितों को देखकर ध्यान को रख बनाया जाता है, ठीक है। तो चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, सामाजिक आंदोलन लोकतंत्र में जन सहभागिता को कैसे प्रदर्शित करता है। जन सहभागिता मतलब भाई लोगों के कैसे छोड़ते भाई, तो सामाजिक आंदोलन तभी तो होगा जब पूरे लोग एक साथ आएंगे, लोगों की भागीदारी होगी, लोगों की मांग एक साथ होगी, लोग एक तरीके की मांग करेंगे, एक प्रकार की क्रिया करेंगे, अगर लोगों को एक जगह इकट्ठा करना है जुलूस में तो सभी लोग आएंगे, ठीक है, तो यही तो क्या जन सहभागिता होगी। चलो उत्तर देख लो, सामाजिक आंदोलन जनता और या विशेष जन समूह द्वारा अपनी मांगों की पूर्ति के लिए किया गया प्रयास होता है, बिल्कुल सही, इससे सामाजिक हितों की पूर्ति होती है, विभिन्न समुदाय के लोग आपस में जुड़ते हैं और इससे सम्मिलित प्रभाव को लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ता है। तो भाई लोग आएंगे,
एकजुट होंगे तभी तो क्या वो समाज के लिए काम करेंगे ना, तो उसी को जन सहभागिता। ऐसा तो नहीं कि आपने किया और आसपास चार गाय भैंसों को ले लिए, वो नहीं होगा ना। आपकी बात को पहुंचाने के लिए आपके जैसे लोग चाहिए, तो क्या जन सहभागिता चाहिए, जन लोग, लोग जन, तो क्या लोगों की भागीदारी, उसी को क्या कहे जन सहभागिता। ठीक है, तो सामाजिक आंदोलन लोकतंत्र में जन सहभागिता को कैसे प्रदर्शित करता है भाई, क्यों, क्योंकि लोगों के द्वारा ही क्या है अपनी मांग को रखने के लिए वो एकजुट होते हैं, एकीकरण होते हैं और फिर अपनी मांग और अपनी जो अवधारणा है उसको सरकार तक पहुंचाते हैं, इसीलिए जन सहभागिता का स्वरूप होता है। ठीक, चलो आगे आ जाओ। नियमगिरी डोंगरियाओं का आंदोलन, ठीक है, ये बहुत हाईलाइटेड था, आपने बुक में भी पढ़ा उसकी पूरी कहानी कि क्या किया सरकार ने, क्या किया था उन नियमगिरी पहाड़ी पर, क्या किया था बॉक्साइट के उत्पादन, सॉरी बॉक्साइट के क्या किया खनन के लिए वेदांता ग्रुप को उसको अलॉट कर दिया था। ठीक है, और पूरे नियम कानून सब बन गए थे और वो जाने वाले थे खुदाई के लिए। उसी बीच क्या किया यहाँ के जो आदिवासी लोग थे उन्होंने उसका विरोध किया कि भाई नहीं, नियमगिरी पहाड़ी को क्या समझते थे, वो अपने राजा समझते थे और वो ये समझते थे कि ये हमारी रक्षा करते हैं, तो इनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है, क्योंकि वो वहां पर रहते थे, उनका जो जीवन यापन था जो भी था वो उस पहाड़ी के इर्द गिर्द था। ठीक है, तो भाई अगर आपके घर को, आपके आज जिस गाँव में आप रहते हो, शहर में जहां रहते हो, उस जगह को आगे कोई उजाड़े बोले कि मैं यहाँ फैक्ट्री लगाऊंगा, तो आपको क्या, आपको उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो क्या होगा, आपके अपने लोग छूटेंगे, आपकी संस्कृति जो आप वहां त्योहार मनाते थे वो छूटेगा, आपके कल्चर छूटेंगे, आपके दोस्त यार छूटेंगे, आपके मम्मी पापा जो किसानी करने जाते थे या किसी फैक्ट्री में जाते थे या किसी तरीके से एक अपने घर दुकान चाहते थे, ये सब छूटेगा। तो यही क्या होता है विस्थापन। सबसे बड़ा अगर कहीं खनन कार्य होता है तो वहां के विस्थापन होता है, क्यों, क्योंकि अक्सर जंगलों में होते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और वहां रहते कौन है आदिवासी, तो क्या उनकी संस्कृति पर बहुत बड़ा खतरा होता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में क्या है नियमगिरी का आंदोलन चला था, जहां वहां के लोगों ने क्या किया उसका उसके खिलाफ हुए वेदांता ग्रुप के कि हम यहाँ खनन करने नहीं देंगे, और जब बाद में कार्रवाई की गई तो एक्चुअली पाया भी गया कि जो वेदांता ग्रुप थे वो गलत तरीके से वहां खनन करने जा रही थी। ठीक है, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय क्या किया पेसा एक्ट लगाया, पेसा एक्ट के द्वारा क्या होता है वहां की जो आम जनता होती है वो डिसाइड करती है कि वहां क्या होना है नहीं होना, तो इसी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय वहां पेसा एक्ट लगाया और वह जनमत संग्रह कराया और ये निर्णय हुआ कि वहां किसी प्रकार की खुदाई नहीं होगी। तो ये क्या था एक सफल आंदोलन था, कि कौन लोगों ने किया आदिवासी लोगों ने किया, क्या एक आदिवासी ने किया दो आदिवासी ने किया, नहीं पूरे लोगों ने साथ किया। हमारे गांव में कुछ होता है पंचायत बैठती है पूरे गांव के लोग आते हैं, कभी कभी होता है त्योहार मनाने के लिए हम पूरे गांव के लोग आते हैं, है ना, तो क्या होता है वैसी प्रकार जन पूरे आदिवासी एक साथ आए, है ना, तो इसीलिए क्या हुआ ये जन संग्रह हुआ। ठीक है, तो इसीलिए क्या है इसको सफलता मिली। ठीक है, चलो इससे क्वेश्चन देखो, नियमगिरी सत्याग्रह जीत किनके निर्णय से हुई थी और कैसे, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से, स्पेशल एक्ट लगाने से, या नियमगिरी आंदोलन का विवरण कीजिए। ठीक है, तो विवरण आपको अपने शब्दों में देना है कि वेदांता ग्रुप के खिलाफ नियमगिरी पहाड़ी में थे, वहां के आदिवासियों ने इसके लिए खिलाफ आंदोलन किया, जनसंग्रह पे इकट्ठी हुए और फिर क्या हुआ वो सर्वोच्च न्यायालय ने आया और उसे पेशा एक्ट के द्वारा यहाँ निर्णय हुआ। ठीक है, अगर बोला जाए तो नियमगिरी सत्या की जीत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से हुई, नियमगिरी लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए कानून द्वारा वहां की पर्वतीय भूमि को खोदने का कार्य पीसा एक्ट के तहत गैर कानूनी ठहराया गया, लोगों ने वेदांता कंपनी के कार्यों को बंद करने में मानव श्रृंखला बनाकर पहाड़ी को घेर लिया ताकि वेदांता वापस जाओ, नियमगिरी खनन बंद करो, ये लगाया ना उन्होंने, ये है ना पोस्टर्स लगाए, सर्वोच्च न्यायालय ने पीसा एक्ट के तहत खुदाई के लिए मतदान कराया, जनमत विद्रोह हुआ, इस प्रकार सबके प्रयास नियमगिरी लोगों के हितों में कार्य किए गए। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे भाई इन लोग आदिवासी लोग हैं, इन लोग इंग्लिश में कैसे लिखे हैं, है ना, अब आप ये सोचोगे आया ना दिमाग में, तो क्या होता है जब कोई आंदोलन होता है ना तो क्या होता है कई समाज से भी लोग होते हैं, कई संस्था होती है जो इनके लिए काम करती है, तो वही वो अपने इनकी बातों को अगर इंटरनेशनल लेवल तक बताना है इसलिए क्या करती है इनको इस तरीके से इंग्लिश बैनर भी बना के देती है ताकि आपकी बात केवल यहाँ नहीं वो दूसरे देशों तक भी जाए, इसलिए क्या होता है हम हिंदी बैनर भी बनाते हैं और इनके लिए इंग्लिश बैनर। ठीक है, इसलिए वो ये इस तरह से आपको इंग्लिश बैनर पकड़े दिखाई देंगे। ठीक, चलो आगे आ जाओ, सूचना के अधिकार का संघर्ष। सूचना का अधिकार क्या होता है, किसी भी सरकारी दस्तावेज हो या किसी भी सरकारी कार्यालय से आप वहां की नियमावली या वहां किए जा रहे कार्यों की जानकारी ले सकते हो। ठीक है, जैसे हम लोग के गांव में मनरेगा कार्यक्रम चलता है ना, 100 दिन की खुदाई होती है, तो आप सूचना के अधिकार के द्वारा ये पता लगा सकते हो कि कितने दिन कार्य हुए, कितने लोगों को वहां से रोजगार मिला, कितने लोगों को कितने दिन का आय वेतन मिला, ये सब चीजें क्या है सूचना के अधिकार के नियम से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या गवर्नमेंट ने पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या सूचना का अधिकार लाया था,
तो इसी से आपने क्या पढ़ा अपने बुक में, वेतन संबंधी चीजें पढ़ी कि उनको वेतन कम देते थे, तो उनको कहा गया कि आप तो काम ही कम करते हो इसलिए वेतन कम कर देते हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने काम के घंटे देखे तो बोलते हम तो पूरा काम करते हैं भाई, फिर हमको वेतन कम क्यों मिलते हैं। तो फिर ये पूरी चीजें छानबीन में पता गया भाई कि वेतन सबको सरकार से आता सही है, लेकिन जो बीच के लोग होते हैं वो जो कर्मचारी होते हैं उनको कम देते हैं। तो इसे क्या सूचना के अधिकार से फिर पूरा पता लगाया गया, फिर पूरा ये नियम बनाया गया कि हर सरकारी दस्तावेजों को क्या है लोगों को दिखाया जा सकता है, तो इसके लिए कुछ नियम बनाए गए। यही कहता है सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष। ठीक, अगर प्रश्न देखोगे आप सूचना के अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो भाई, अनेक सरकारी गैर सरकारी दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए सूचना अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। सरकार इसमें लिख सकते हो सरकार की चल रही योजनाओं की जानकारी के लिए, सरकार द्वारा किए गए फंड के आवंटन के लिए, सरकार के द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों की पता लगाने के लिए, विभिन्न विभिन्न चुनाव प्रक्रियाओं या तो जो हमारे रिक्रूटमेंट होती है उनकी प्रक्रियाओं का पारदर्शिता लाने के लिए, इन सब के लिए क्या है आप सूचना के अधिकार का नियम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, चलो आगे आ जाओ। सूचना के अधिकार में मिलने वाले 3 लाभ क्या है, सूचना के क्या होते हैं, सरकार की पारदर्शिता पता चलती है, भ्रष्टाचार कम होता है, लोगों को यह पता चल सकता है कि क्या कार्य जो आ रहा है वो सही हो रहा नहीं, तो ये सब क्या लाभ होते हैं। ठीक है, देखो सरकारी गैर सरकारी दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए होता है, सरकारी गैर सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए होता है, सूचना का अधिकार सर्वाधिक भ्रष्टाचार रोकने के लिए किए गए हैं, दस्तावेज रखरखाव में सावधानी बढ़ी है, जनता में जागरूकता और सतर्कता आई है, 30 दिन में जानकारी मिल जाती है ना। अब आप डिपार्टमेंट वाले को पता है, कोई भी सूचना का अधिकार लगा के पता लगा सकता है कि भाई उस जहाँ पे वहाँ नाला खुदवा रहे हैं तो कतका दिन लगी से और कतका पैसा लगी सब है, कतका जगह दे रहे हैं ना खुदाई पर, कभी भी पूछ सकता है कोई भी निकाल के। तो इसलिए क्या करते हो पूरा बना के रखते हैं कि इतने दिन काम चला, इतने लोग काम किए, इतना रुपए बांटे, इतना क्या सरकार से पैसा आया, क्यों, ताकि कभी भी कोई मांग सकता है। तो ये कितने दिन के अंदर देना पड़ता है जानकारी, अगर आपके यहाँ कुछ काम हुआ गांव में है ना और आपने बोल दिया कि भाई गांव में आज का दिन में काम हो रही भाई कैसे कैसे हुई हमला पता लगाना है, तो आप वहां जाके डिपार्टमेंट में सूचना का अधिकार नियम लगा सकते हो। तो जितने दिन में 30 दिन में क्या है आपको पूरी जानकारी देने का नियम है। ठीक, तो उस तरीके से आप क्या है पारदर्शिता ला सकते हो, भ्रष्टाचार हो रखने में पता लगा सकते हो, है ना, गवर्नमेंट्स क्या है इसे ऑर्गेनाइज हो जाती है ना, तो ये सब क्या है इसके लाभ होते हैं। ठीक, चलो आगे आ जाओ। शांति के लिए आंदोलन, देखो क्या होता है शांति के लिए आंदोलन, जब बहुत ज्यादा ऐसे व्यक्ति की हिंसा हो रही है या देश की परिस्थितियां ऐसी हो रही है जो हिंसक है लोगों के लिए बुरी है, तो क्या होता है शांति के लिए आंदोलन होता है ना। जैसे हमने रशिया में देखा था, रशिया आंदोलन हुआ था, बीच बीच में महिलाओं ने शांति के लिए आंदोलन किया, तो क्या था आंदोलन होता है, एक होता है हिंसक आंदोलन, एक होता है शांति आंदोलन। हिंसक आंदोलन होता है क्या, लोगों को हानि पहुंचाना, लोगों को क्षति पहुंचाना, लोगों के चीजों को तोड़ना फोड़ना, दुकानों को नष्ट कर देना, घरों को जला देना, कभी कभी सांप्रदायिकता के कारण होती ना ये चीजें घटनाएं, है ना। वही शांति के आंदोलन क्या होता है कि भाई लोग मांग करते हैं कि भाई बहुत हो गया अब ये खत्म करो, लोग शांति से रहेंगे, विकास करेंगे, लोगों की शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, तो इसी के लिए क्या समय समय पर शांति आंदोलन किए जाते हैं। ठीक है, तो शांति आंदोलन की शुरुआत का अगर देखी जाए तो क्या थी, जब क्या हुआ था बहुत ज्यादा परिस्थिति ऐसी हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि भाई हर देश एक विध्वंस हो चुका था, परमाणु हथियार बनाए जा रहे थे, तो क्या हुआ शांति के आंदोलन की वहां से शुरुआत हुई। ठीक है, तो शांति आंदोलन होते क्या है, आमतौर से शांति आंदोलन उन अभियानों और संगठित प्रयासों को कहते हैं जिनके द्वारा किसी भी युद्ध को खत्म करवाने, युद्धों के दौरान हो रही हिंसा को रुकवाने अथवा हथियारों की होड़ को रोकने के लिए की कोशिश की जाती। ठीक है, तो शांति आंदोलन पूछेंगे तो आपको ये चीजें लिखनी होंगी। ठीक, शांति आंदोलन का व्यापक लक्ष्य दुनिया में परमाणु जैसे खतरनाक हथियारों पर प्रतिबंध लगाना तथा पूरी दुनिया में युद्धों को रोकना होता है, चाहे किसी भी रूप में। यहाँ पे युद्धों की बात की, आप सांप्रदायिक बोल सकते हो, धर्म के आधार पर लड़ाई, किसी भी प्रकार की लड़ाई है तो उसको शांति आंदोलन उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक, चलो आगे इसके प्रश्न देखो, शांति आंदोलन से क्या आशा है, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है। आमतौर से शांति आंदोलन अभियानों को संगठित प्रयासों को कहते हैं जिनके द्वारा युद्ध को खत्म करवाने, युद्ध के दौरान हो रही हिंसा को रोकवाने अथवा हथियारों की होड़ को रोकने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अगर शांति आंदोलन का व्यापक लक्ष्य बोला जाए तो दुनिया से परमाणु जैसे खतरनाक हथियारों पर प्रतिबंध लगवाना तथा पूरी दुनिया में युद्धों को रोकना, ये क्या होगा इसका मुख्य लक्ष्य होगा। ठीक, आगे आ जाओ क्वेश्चन पे, शांति आंदोलन में शामिल लोग अशांति को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, संगठन बनाएंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, भाई सभी लोग पूरे देश के लोग हस्ताक्षर करो कि हमें जनमत सहगा दिखानी है। ठीक है, आंदोलन करेंगे, सड़कों पे बैठ के क्या करेंगे, वो हड़ताल करेंगे अपनी मांग रखवाने का, तो ये क्या सब होते हैं शांति आंदोलन के नियम, मतलब क्या अलग अलग क्रियाविधि हो सकती है। ठीक है, तो यहां देखो, संगठनों में परिषदों का निर्माण करेंगे,
हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, धरना प्रदर्शन हड़ताल करेंगे, मानव श्रृंखला बनाकर लिखित आवेदन करेंगे, सामाजिक मीडिया संचार माध्यम समाचार पत्र पत्रिकाओं के आदि के माध्यम से क्या करेंगे, वो सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं, शांति आंदोलन के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। ठीक, आगे आ जाओ। शांति आंदोलन में हमने क्या पढ़ा था, जापान में पढ़ा था कि वहां क्या हुई थी, परमाणु बम गिराए गए थे हिरोशिमा नागासाकी पे, वहां शांति आंदोलन हुए थे। इसी प्रकार ब्रिटेन में भी हुए, तो ब्रिटेन में क्या पढ़ा था आपने, कमेटी ऑफ 100 बना था, है ना। ये क्या था, एक ग्रुप बना था जिसमें शांति आंदोलन चलाए गए थे, हथियारों को निर्माण पे बंद लगाने की बात कही गई थी। तो ये क्या था, ये असफल हुआ था। तो इस असफलता का कारण क्या था भाई, कि वहां कोई एक गुट नहीं बन पाया था, एक कोई प्रतिनिधित्व नहीं बन पाया था, क्योंकि जो उनके प्रतिनिधि थे उनकी मृत्यु के बाद क्या है, वो पूरा बिखर गया। तो यही क्या थी, उसकी असफलता का कारण था। तो इसके आंसर को देखो, कमिटी ऑफ 100 के ढांचे का कोई पदानुक्रम नहीं था, ना ही इसकी सदस्यता औपचारिक थी, इसलिए बहुत से स्थानीय समूहों ने अपने आप को समिति का सदस्य कहना शुरू कर दिया। मतलब पूरा समूह बना था, जैसे ही उनके नेता की मृत्यु हुई क्या हुआ, छोटे छोटे रूप में वो समिति बनकर कार्य करने लगे। ठीक है, इससे यह आंदोलन व्यापक तो हुआ, लेकिन कमेटी ऑफ 100 की नीतियों के बारे में काफी भ्रम पैदा होने लगे। धीरे धीरे कमेटी के लोग परमाणु हथियारों व युद्ध के अलावा अन्य मुद्दों से जुड़ने लगे। ये बना क्यों था, परमाणु हथियारों का विरोध करने के लिए, युद्ध का विरोध करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे कम समिति बनते के बनते क्या, उसमें अलग अलग लोगों के विचार आने लगे। तो फिर क्या हुआ, भ्रम की स्थिति पैदा हुई और लोग क्या है, अलग अलग मुद्दों पर इसमें भटकने लगे। तो इसका जो मेन मुद्दा था निशस्त्रीकरण, उसको हट के क्या हुआ, अन्य दिशा में चले गए। तो इसी कारण क्या था, 100 कमेटी फेल हो गई थी। ठीक, चलो आगे आ जाओ। जापान में शांति के निशस्त्रीकरण आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, क्यों हुआ था भाई, 1945 में क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। और द्वितीय विश्व एक्चुअली खत्म क्यों हुआ था, जबकि अमेरिका ने जापान पे हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ, परमाणु बम गिराए थे, और वो परमाणु बम इतने विध्वंसक थे कि पूरा जापान की तबाही हो गई थी, है ना। तो इसी के बाद क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, लेकिन क्या हुआ, परमाणु बम तो बना, उसी के कारण इतनी बड़ी विध्वंसकता हुई। तो क्या हुआ, तो पर जब जो जिसके ऊपर बीती है वही जानता है, वही हाल यहाँ हुआ, जापान के ऊपर बीती तो वो यह समझ चुका था कि इस तरीके से क्या, जब हमारे ऊपर बीती है, आपके घर में कोई आपको मारता है तो आप ये सोच लेते हो जितना मेरे ऊपर बुरा हुआ है, मैं किसी के साथ ऐसा बुरा नहीं करूंगा। तो जापान ने यह मान लिया था कि भले मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन मैं किसी अन्य देश के साथ बुरा न करूंगा, ना दूसरे को करने दूंगा। इसीलिए क्या किया, जापान ने शांति के लिए आंदोलन चलाया। ठीक है, तो क्या जापान ने 1945 में अमेरिका द्वारा गिराए गए 2 परमाणु बम से हुए नुकसान के लिए झेला था, इसलिए जापान ने परमाणु हथियार विरोधी आंदोलन काफी सक्रिय फैला। 1954 में जापान के लोगों ने परमाणु और हाइड्रोजन बम का विरोध करने के लिए एकीकृत परिषद का निर्माण किया। जापान के लोगों ने प्रशांत क्षेत्र में परमाणु हथियारों के परीक्षण का विरोध किया। ठीक है, तो ये क्या था, जापान में शांति के आंदोलन चलाने का तरीका था। ठीक, निशस्त्रीकरण को समझाइए, निशस्त्रीकरण क्या है, शस्त्रीकरण क्या होगा, शस्त्रों का निर्माण। निशस्त्रीकरण क्या होगा, जो निर्माण हो रहा है उसको रोकना, यदि निर्माण हो चुका है उसको नष्ट करना, यही क्या हुआ, निशस्त्रीकरण। ठीक है, शस्त्रीकरण शस्त्रों का निर्माण, शस्त्रों का निर्माण जस्ट उस टाइम हो जाएगा, शस्त्रों का जो निर्माण रोकना या जो बन चुके हैं उसको नष्ट करना। ठीक है, निशस्त्रीकरण का अर्थ है विनाशकारी हथियारों अस्त्रों शस्त्रों का उत्पादन पर रोक लगाना तथा उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना। क्या हुआ, जब परमाणु बम अमेरिका ने बनाया, मतलब पूरे देश में ये चला गया, ये इतना विध्वंस है, मतलब अगर हमें सुरक्षा करनी है तो हमें भी ऐसी परमाणु बम बनाने चाहिए। तो वहां पर रुके नहीं लोग, ऐसी विध्वंसकता को देखकर और ज्यादा उत्तेजित हुए कि भैया हम भी ऐसा बनाएंगे। तो ये पूरा तरीका से क्या हुआ, और हथियारों की होड़ चलने लगी। ठीक है, तो इसी कारण क्या हुआ, निशस्त्रीकरण की मांग चली। ठीक है, द्वितीय विश्व के बाद निशस्त्रीकरण पर विशेष बल दिया गया, इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर विश्व स्तर पर परमाणु हथियारों के रोक पर लगाया गया। भारत जैसे विकासशील और शांतिप्रिय देशों ने भी खुलकर इसका समर्थन किया, इसी के कारण तीसरे विश्व युद्ध को रोका जा सका, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसका अनुमोदन किया। ठीक, तो ये क्या है, निशस्त्रीकरण के बारे में आप लिखेंगे। चलो आगे आ जाओ, निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों है भाई, क्योंकि अगर ये बड़े बड़े बनेंगे हथियार तो क्या होगा, उससे लोगों को हानि होगी। अगर कल को हम हमारे भारत के कोई जगह पे गिरा दिए जाए तो क्या होगा, पूरे भारत का एक राज्य नहीं पूरा देश खत्म हो सकता है ना। ऐसे ऐसे परमाणु हथियार बन चुके हैं, हाइड्रोजन बम बन चुके हैं। ठीक है, तो भाई ऐसी चीजों को रोकने के लिए, और विश्व अगर जैसे हुआ ना द्वितीय विश्व प्रथम विश्व युद्ध, 2 देश लड़े थे, एक उसके इधर से ये आए, इधर से आए, इधर से आए, ये इधर से, इधर से, इधर से, क्या हुआ, फिर ये पूरा विश्व युद्ध बन गया, है ना। तो इसी चीज को रोकने के लिए क्या है, हमें निशस्त्रीकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चलो इसके पॉइंट्स देख लो। द्वितीय विश्व की समाप्ति के जिस दर्दनाक बमबारी से हुई थी उसे विश्व के लिए एक नई समस्या उत्पन्न हो गई थी। युद्ध का अंत हुआ किंतु निशस्त्रीकरण की आवश्यकता बनी रही। इसके बाद निशस्त्रीकरण की आवश्यकता के कारण निम्नलिखित थे, क्या क्या थे, विश्व स्तर पर परमाणु बम जैसे खतरनाक हथियारों पर पाबंदी लगाने के लिए,
मानव सभ्यता के विकास और शांति प्रिय समझौते के लिए निशस्त्रीकरण की आवश्यकता है कि जब आप अपने ज्यादा से ज्यादा अगर संसाधन है शस्त्रों बनाने में लगाओगे तो देश का विकास कब करोगे, है ना। तो भाई जब आप वो सब चीजों को रोकोगे हर देश एक साथ काम करेगा कि भाई हम किसी प्रकार का शस्त्र नहीं बनाएंगे, हम किसी प्रकार का विध्वंस नहीं करेंगे, तो क्या है? हर देश अपनी जो संसाधन है पूंजी है उसको क्या है लोगों के विकास में लगाएगी, फैक्ट्रीज लगाएगी, उत्पादन करेगी, ना कि वो शस्त्र बनाएगी, है ना। तो इसलिए क्या मानव विकास के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यकता है। विश्व स्तर पर युद्धों को रोकने के लिए इसी निशस्त्रीकरण के बल पर तीसरे विश्व युद्ध को हमने रोका था, संयुक्त राष्ट्र ने भी निशस्त्रीकरण का अनुमोदन किया है विश्व शांति के हित में, ठीक है। तो आप ये सब चीजें लिखेंगे। क्या आपके क्षेत्र में मजदूरी संबंधी समस्याएं हैं? बिल्कुल है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इस आंसर को आप अपने तरीके से लिखोगे, ठीक है। फिर भी बता देती हूँ, हाँ हमारे क्षेत्र में भी ऐसी समस्याएं हैं, यहाँ मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की गई है, फिर भी मजदूरी यदि पुरुष है तो उसे अधिक मजदूरी, महिलाओं को कम मजदूरी दी जाती है, है ना। कई बार काम अस्थाई होता है, काम के घंटे अस्थाई होते, तो इसलिए क्या है ये सब चीजें हमारे जगह में भी कम दिखाई देते, ठीक है। चलो बच्चों ये पूरा चैप्टर समझ गए, ठीक है। 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे ये पता है, अब क्या 1 मार्क्स से भी क्वेश्चन चैप्टर से आएंगे, तो क्या पूरा चैप्टर समझने के बाद क्या आप इस आंसर को बहुत जल्दी समझ लोगे। इसलिए क्या करती हूँ, पहले पूरा चैप्टर समझा देती हूँ, क्वेश्चन डील कर देती हूँ, उसके बाद क्या एमसीक्यूज में आती हूँ, ठीक है। चलो अब एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। मूलतः नियमगिरी क्या थी? एक आंदोलन, एक पर्वत, बॉक्साइट भंडार, एक राजा। क्या था भाई? वो एक पर्वत था जहां बॉक्साइट का भंडारण था, ठीक। नियमगिरी के लिए आंदोलन किससे संबंधित नहीं था? किससे संबंधित नहीं था भाई? पर्यावरण आंदोलन था, सामाजिक आर्थिक आंदोलन था, न्याय के लिए आंदोलन था, तो क्या था, ये राजनीतिक आंदोलन नहीं था, ठीक। सूचना का अधिकार आंदोलन प्रारंभ हुआ था कैसे? न्यूनतम मजदूरी की मांग के लिए, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, मस्टर रोल की जानकारी के लिए, किसके लिए? भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, ठीक। शांति के लिए आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? युद्ध रोकना, निशस्त्रीकरण, परमाणु अस्त्र शस्त्रों पर प्रतिबंध, सभी के लिए था, ठीक। नियमगिरी पहाड़ी को बचाने के लिए किया गया, क्या किया गया था बचाने के लिए भाई? पीसा एक्ट से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, इसी के तहत ये सब काम किए गए थे, लेकिन क्या हुआ था पीसा एक्ट के द्वारा क्या हुआ, खनन कार्य रुका था, ठीक है। तो आपका आंसर इसको डी देना है, ठीक। राजस्थान में किस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? सूचना का अधिकार का उल्लंघन राजस्थान में नहीं होता है, ठीक। आगे आ जाओ, नियमगिरी परियोजना में क्या व्यवस्था नहीं थी? क्या व्यवस्था नहीं थी भाई? वहां पे पर्यावरण आधारित जनजीवन का संरक्षण किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। वेदांता ग्रुप ने क्या हुआ था, परमिशन तो ले लिया था, लेकिन उसने पर्यावरण संरक्षण टाइप की कोई भी चीजें उसमें नहीं डाली थी, इसलिए क्या उसका ज्यादा विरोध हुआ, ठीक। मजदूर किसान शक्ति संगठन किस सत्याग्रह से सफल हुए थे भाई? मजदूर किसान शक्ति संगठन, तो ये किसमें से थे भाई? ग्राम सभाओं में, जनता न्यायालय में, जन सुनवाई और भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, इसके लिए सफल हुए थे, ठीक। आगे आ जाओ, निशस्त्रीकरण के लिए शांति आंदोलन प्रारंभ हुआ था, कहां हुआ था भाई? नागासाकी हिरोशिमा में परमाणु बम के विनाश से, यही से चालू हुआ था, है ना। जब द्वितीय युद्ध हुआ, जापान पे गिरा, तो उसी के बाद क्या निशस्त्रीकरण की मांग उठी थी, ठीक। शांति के लिए निशस्त्रीकरण का मुख्य लक्ष्य क्या है? शीत युद्ध का अंत नहीं, हथियारों का उत्पादन बंद करना, रासायनिक जैविक परमाणु शस्त्रों का अंत करना, शांति और विकास कायम करना। तो निशस्त्रीकरण के लिए क्या है? शांति और विकास कायम करना। जब सब चीजें होंगी तभी तो शांति और विकास, और सब कम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम शांति व्यवस्था बनाए सके, ठीक। आगे जाओ, सूचना का अधिकार सर्वाधिक लाभ होता है किससे होता है? सूचना अधिकार का सर्वाधिक लाभ होता है भ्रष्टाचार रोकने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम सूचना का अधिकार से पता लगा सकते हैं कि भाई कितना भ्रष्टाचार हुआ, सच में ये पैसे आए थे, वो सही लोगों को मिले नहीं मिले, काम लोगों को मिला या ना मिला, तो आप क्या भ्रष्टाचार को रोक सकते हो, ठीक। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बल दिया गया था युद्ध पर, अशांति पर, निशस्त्रीकरण एकता किससे पर? निशस्त्रीकरण पर, ठीक। आगे आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन नहीं है? नियम के लिए आंदोलन था, शांति के लिए आंदोलन था, महिला आंदोलन था। सूचना का अधिकार क्या है? एक आंदोलन नहीं है, ठीक। जन आंदोलन कौन कौन से आंदोलन का स्वरूप ग्रहण करता है? क्या कर सकता है? केवल सामाजिक, केवल शांति, केवल राजनीतिक, कभी सामाजिक कभी राजनीतिक। जन आंदोलन क्या है? कभी सामाजिक भी हो सकता है, कभी राजनीतिक भी हो सकता है, ठीक। आगे आ जाओ, सूचना का अधिकार के लिए आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? कहां से प्रारंभ हुआ था भाई? ये राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान याद रखना है, ठीक। मूल निवासियों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आदिवासी। मतलब अगर बोला जाए जंगल के निवासी, मूल निवासी कौन है? आदिवासी, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये पूरे चैप्टर का क्या है, एमसीक्यूज याद करना है, ठीक। तो बच्चों एक क्वेश्चन और बजिया, शांति आंदोलन के उद्देश्य लिखिए, क्या हो सकता है भाई? अच्छा एक क्वेश्चन उधर हमारे छूट गया था, परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाना, हथियारों की दौड़ को रोकना, गृह युद्ध को रुकवाना और शांति आंदोलन को आगे बढ़ाना, तो ये क्या था? शांति आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे, ठीक।
चलो तो बच्चों ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब दो चैप्टर बचे हैं, एक राजनीतिक शास्त्र का और एक इतिहास का, बाकी फिर पूरा आपका एसएसटी कंप्लीट हो जाएगा। वो भी क्या है, कल तक पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर पूरा एसएसटी के 21 अध्याय आपके कंप्लीट होगा और 21 अध्याय में से मेरे बच्चे मार्च मिशन की तैयारी कंप्लीट, बस उसको उस दिन हराना है। याद रखो हम लोग मार्च मिशन की तैयारी में है ना, मैं भूल जाऊंगी, आपको नहीं भूलना है। आप एक योद्धा हो, योद्धा क्या है, हरदम तैयार रहता है। तो अपनी तैयारी, अपने हथियार सब तैयार रखो भाई, पेन कॉपी पुस्तक हर चीज, और दिमाग में सोचो मेरे को करना है, मेरे को करना है, बस वो करना है, करना एक दिन स्वतः आ जाएगा, ठीक। चलो बेस्ट ऑफ लक, अपने चैप्टर्स की तैयारी करते रहो, साइंस मैथ्स एसएसटी इंग्लिश हिंदी संस्कृत सब पढ़ते रहो, और टाइम टेबल जैसे मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो चलो हम अपने लेक्चर में मिलते हैं, तब तक बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी जैसे करते रहो।